नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं आनंद कुमार और आज के इस वीडियो में हम पिछले सप्ताह का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर एनालिसिस करेंगे। लास्ट टाइम हमने 14 अगस्त तक के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे छत्तीसगढ़ के, उन सब का एनालिसिस कर रखा है। आज के इस वीडियो में 15 अगस्त से लेकर आज तक यानी कि 24 अगस्त तक के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे उन सब का यहाँ एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा पिछले वीडियो में हमने जितने टॉपिक्स एनालिसिस किया था उसके एमसीक्यूज भी देखने वाले हैं और इसके अनुसार आप लोग खुद नीचे कमेंट सेक्शन में करते हो। तो मेरा एक सजेशन है कि अगर अभी तक पिछला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें, पहले पिछला वीडियो को देखें, उसके बाद इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। और हाँ, हमारे सोशल मीडिया पेजेस से ज़रूर जुड़िएगा क्योंकि हम डेली बेसिस पे वहाँ कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवाते रहते हैं या फिर जो भी हमारा नोटिफिकेशन होता है वो भी उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध करवाया जाता है। तो टेलीग्राम का लिंक नीचे मिल जाएगा, फेसबुक पेज का भी लिंक नीचे मिल जाएगा, इसके अलावा इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ने के लिए उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में स्वदेश दर्शन योजना के तहत छत्तीसगढ़ में कितने एथनिक रिसॉर्ट का लोकार्पण किया गया है। 1, 2, 3, 4, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों को कहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर देश का पहला शहर बन गया जहाँ शहरी लोगों को वन भूमि का अधिकार दिया गया है। जगदलपुर, कोंडागांव, अंबिकापुर या फिर धमतरी, नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है। उमेश पटेल, भूपेश बघेल, प्रभजोत सिंह भाटिया या फिर इनमें से कोई नहीं। इन तीनों प्रश्नों का जवाब आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। हम यहाँ वही संभावित प्रश्न पूछते हैं जो कि संभावित होता है कि आपसे ये परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद आज के हम अपने एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। तो जिसमें आज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैक्सिमम चांसेस हैं कि यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे ही जाएंगे। ये टॉपिक है आपका स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 जो कि शहरी क्षेत्रों के लिए निकाला गया है। और इस स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 को रिलीज किसने किया है? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, भारत सरकार द्वारा इस सर्वेक्षण को रिलीज किया गया है। और यह सर्वेक्षण जो है इसका 5वां संस्करण है। सबसे पहले बेसिक बातें जान लीजिए, उसके बाद छत्तीसगढ़ की स्थिति किस प्रकार से वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहला सर्वेक्षण का रिपोर्ट आया था 2016 में और उसके बाद ये 5वां रिपोर्ट है। जब 2016 में रिपोर्ट आया था तो लगभग 72 शहरों को शामिल किया गया था पूरे भारत में। और जब ये 5वां सर्वेक्षण आया है इसमें जो शहरों को शामिल किया गया है उनकी संख्या है 4,242। और ये शहरों की स्थिति किस प्रकार से है? पहला कैटेगरी रखा गया है 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों का। दूसरा कैटेगरी है 1 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों का। तीसरा कैटेगरी है 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों का। और चौथा जो कैटेगरी है 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों का। तो इस तरह से 4 कैटेगरी के आधार पे जो है इस सर्वेक्षण को रिलीज़ किया गया है और इस चारों कैटेगरी में छत्तीसगढ़ के किसी न किसी शहर को पुरस्कृत किया गया है। तो जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो सबसे पहले देखते हैं कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की सूची में छत्तीसगढ़ कहाँ पर स्थित है और देश में कौन सा ऐसा स्थान है जो सबसे स्वच्छ है। तो इसमें अगर हम बात करें सबसे टॉप पर तो मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार 4वीं बार जो है उसने पहला स्थान बनाया है। दूसरा स्थान भी याद रखिएगा गुजरात का सूरत। तीसरा स्थान महाराष्ट्र का नवी मुंबई। तो यहाँ पर आप टॉप 10 की स्थिति जान सकते हो और यहाँ पर टॉप 10 की स्थिति जानने से बेहतर है आप टॉप 3 याद रखिए क्योंकि टॉप 10 आप याद नहीं रख सकते, मुझे पता है। तो टॉप 3 का नाम याद रखिएगा। और ये जो शहर है 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की सूची है और इस सूची में जो है टोटल 47 शहरों को शामिल किया गया है। और इसमें अगर हम छत्तीसगढ़ के किसी शहर की स्थिति की बात करें तो इसमें आपका छत्तीसगढ़ का एक शहर आ जाता है रायपुर, जिसका स्थान है 21वां। याद रखिएगा 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में एकमात्र छत्तीसगढ़ का शहर है रायपुर जिसका नंबर है 21वां टोटल
47 शहरों में, और लास्ट नंबर आ जाता है पटना, यानी कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की सूची में सबसे गंदा जो शहर है वो बिहार की राजधानी पटना है। डिटेल में मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए जितने भी आंकड़े मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उन सब आंकड़ों को बस आप नोट करते चलिएगा। तो ये हो गया 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की सूची, जिसमें छत्तीसगढ़ का एकमात्र जो शहर है वो रायपुर है 21वें पायदान पर। ठीक, चलिए इसके बाद आ जाते हैं हम लोग कौन से 1 से 10 लाख जिन शहरों की आबादी है उन शहरों की स्थिति किस प्रकार से है उसे देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ के टोटल 8 शहर इसमें शामिल हैं, और टोटल कितने शहरों को शामिल किया गया है, तो इसमें टोटल 100 शहरों को शामिल किया गया है। 1 लाख से 10 लाख आबादी वाले में 100 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें टोटल छत्तीसगढ़ के 8 शहर शामिल हैं। और सबसे पहले पायदान पर अगर हम बात करें इन 100 शहरों में, तो छत्तीसगढ़ का शहर शामिल है, ये मस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका अंबिकापुर। ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना अधिक बन जाती है। इसके बाद 10वें स्थान की अगर हम बात करें तो 10वां स्थान है आपका राजनांदगांव, पहले स्थान पे अंबिकापुर और 10वें स्थान पे आपका राजनांदगांव। ठीक है, इसके बाद अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर आ जाता है बिलासपुर 11वें स्थान पे, इसके बाद 13वें स्थान पे रायगढ़, इसके अलावा 33वें स्थान पे जगदलपुर, इसके अलावा 34वें स्थान पे भिलाई नगर, इसके बाद 45वें स्थान पे आपका कोरबा, इसके बाद 83 रैंक है आपका दुर्ग शहर का। तो ये 1 लाख से लेकर 10 लाख तक कैटेगरी वाले में छत्तीसगढ़ के 8 शहरों को शामिल किया गया है। ठीक, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की स्थिति देखते हैं। तो 1 लाख से अधिक अगर हम जनसंख्या वाले शहरों की स्थिति देखें तो इसमें वो शहर भी आ जाएंगे जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। तो पहले स्थान पर कौन सा शहर है, इंदौर। अब यहाँ पर हम छत्तीसगढ़ के किसी शहर की बात करें तो 4th नंबर पर आ जाता है आपका अंबिकापुर। ठीक है, इसके बाद सारा चीज़ नोट करते चलिएगा क्योंकि एक एक पॉइंट जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड मैं बता रहा हूँ वो सारा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगर हम छत्तीसगढ़ के और शहरों की स्थिति देखें तो 19वें नंबर पे आ जाता है आपका राजनांदगांव, 20वें नंबर पे आ जाता है आपका बिलासपुर, 23वें नंबर पे आ जाता है आपका रायगढ़, 52वें नंबर पे आ जाता है आपका जगदलपुर, 53वें नंबर पे आ जाता है आपका भिलाई नगर, 62वें नंबर पे आ जाता है आपका रायपुर और 68वें नंबर पे आ जाता है कोरबा। तो इस तरह से 12 शहरों को शामिल किया गया है छत्तीसगढ़ के 100 शहरों में जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है। तो यहाँ पर कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, पहला कैटेगरी था कौन सा कैटेगरी था, जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है, जिसमें 21वें स्थान पर रायपुर था। उसके बाद आ जाता है जिसकी जनसंख्या 1 लाख से 10 लाख के बीच में है, जिसमें 8 शहरों को शामिल किया गया था छत्तीसगढ़ के। और तीसरा जो कैटेगरी था जिनकी जनसंख्या शहरों की जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा हो, यानी कि वो 10 लाख से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इस कैटेगरी में छत्तीसगढ़ के पूरे देश भर में 100 शहरों में छत्तीसगढ़ के 12 शहर शामिल हैं। इसके बाद एक लास्ट कैटेगरी बच जाता है कि 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों की स्थिति में छत्तीसगढ़ कहाँ पर खड़ा है। तो 100 शहरों की सूची में छत्तीसगढ़ के टोटल 24 शहर शामिल हैं। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों की सूची में छत्तीसगढ़ के 24 शहर शामिल हैं, जिसमें आपका पाटन आ जाता है, डुंगरापुर आ जाता है, सहंग आ जाता है, जसपुर नगर आ जाता है, नहरपारा आ जाता है, कवर्धा आ जाता है। तो इस तरह से मैं आपको सारे स्लाइड्स में सारे नेम यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो इस तरह से ये सारे स्लाइड्स के आधार पे आप सारा जो नेम है यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि सारे नेम को पढ़ना यहाँ पर और सारा नाम याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो जो छत्तीसगढ़ में टोटल 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों की स्थिति है, टोटल 24 हैं, बस इतना याद रखिएगा। और ऊपर वाले 1 लाख से 10 लाख और 10 लाख से अबव वाले शहरों का लिस्ट ही आप याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों के लिए एक और बन जाता है जो कि मस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर हम ओवरऑल रैंकिंग की बात करें, ओवरऑल स्टेट रैंकिंग की, तो ये बहुत खास है, छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर है 3293.5 अंक के साथ में, और ODF यानी कि ओपन डिफेक्शन फ्री के मामले में छत्तीसगढ़ को यहाँ पर डबल प्लस कैटेगरी में रखा गया है, और देश का पहला ऐसा राज्य है
जो कि ODF डबल प्लस की श्रेणी में आता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो ये था स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के प्रमुख आंकड़े छत्तीसगढ़ से संबंधित, जिसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत मैक्सिमम चांसेस हैं कि यहाँ से आपसे एक न एक प्रश्न पूछा ही जाएगा। और जितने भी आंकड़े यहाँ पर मैंने प्रस्तुत किए, ये सारे स्क्रीनशॉट्स हैं, गवर्नमेंट के वेबसाइट से उठाया हुआ है, तो सारे आंकड़े ऑथेंटिक हैं। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल भी अलग से अगर कोई आंकड़ा मिलता है तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसके बाद जो सेकंड टॉपिक है, छत्तीसगढ़ में पहली बार रक्षा की श्रेणी में कुछ उत्पादन किए जाएंगे, और यह उत्पादन जो है बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट से रिलेटेड होगा। और यह उत्पादन किन के लिए किया जाएगा, यह थल सेना के लिए किया जाएगा, थल सेना या फिर BSF आ जाते हैं या फिर CRPF आ जाते हैं, तो इनके लिए किया जाएगा, यानी कि सशस्त्र जो सेनाएं होती हैं उनके लिए इसका उत्पादन किया जाएगा। और इस तरह का उत्पादन जो है छत्तीसगढ़ में पहली बार किया जाएगा। और इसके लिए एक MOU साइन किया गया है किसके किसके बीच में, छत्तीसगढ़ का उद्योग विभाग, रक्षा उत्पाद की एक इंडस्ट्रियल यूनिट है जिसका नाम है मेमर्स एटमास्टको लिमिटेड दुर्ग, इसके बीच में MOU साइन किया गया है, जो कि बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट बनाने का काम करेगी देश की सेनाओं के लिए, सशस्त्र बलों के लिए। और इस यूनिट का स्थापना जो है ये मस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, कहाँ किया जाएगा इसको ध्यान रखिएगा, तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के बीरे भाट गाँव में किया जाएगा। और जो इन्वेस्टमेंट है वो है 87.50 करोड़ रुपए का, और रक्षा के क्षेत्र में उत्पादन करने वाली ये पहली कंपनी होगी, और ये पहला MOU भी होगा जो कि राज्य में ही उत्पादन के लिए होगा। तो इस तरह से कुछ यहाँ पर की पॉइंट्स को आप लोग को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आमचो बस्तर रेडियो, कोरोना वायरस की वजह से जिस प्रकार से एजुकेशन सेक्टर को प्रभावित किया, या फिर एजुकेशन सेक्टर में जिस प्रकार से प्रभाव पड़ा है, तो ऑनलाइन मोड में बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की जा रही है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भी किया जा रहा है, और इसी के तहत में पढ़ाई तुहर द्वार नामक एक कैंपेन और एक प्लेटफॉर्म भी शुरू किया गया था छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग कैंपेन भी शुरू किया जा रहा है ताकि बच्चों को पढ़ाया जा सके। और इसीलिए बस्तर संभाग में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसीलिए जिला प्रशासन की तरफ से आमचो बस्तर रेडियो नामक एक कैंपेन शुरू किया गया है, और इस कैंपेन के तहत बच्चों को जो है वो लाउड स्पीकर से उनके घर में ही शिक्षा पहुंचाया जा रहा है। और इस कैंपेन की मदद से सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि बच्चों की जो पढ़ाई की निरंतरता है वो ना रुके। तो याद रखिएगा आमचो बस्तर रेडियो कार्यक्रम जो है किस क्षेत्र से संबंधित है और किन के लिए शुरू किया गया, बस ये दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है मुख्य परीक्षा में आप कीवर्ड्स के तौर पर इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो, ठीक। चलिए इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक हो जाता है, हमारे जितने भी पावर हाउसेज हैं छत्तीसगढ़ में, यानी कि छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन कंपनी, उसको पूरे देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। प्रथम स्थान किस लिए प्राप्त हुआ है, सर्वश्रेष्ठ प्लांट लोड फैक्टर के मामले में, यानी कि प्रदर्शन करने के मामले में। यहाँ पर प्लांट लोड फैक्टर का मतलब है कि बेहतरीन क्वालिटी, यानी कि रख रखाव क्षमता, उत्पादन क्षमता, ये सब के मामले में छत्तीसगढ़ जनरेशन कंपनी, पावर जनरेशन कंपनी जो है इसने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, और इसी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पूरे देश भर में इसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगर हम इसका प्लांट लोड फैक्टर देखें तो 69.83% प्लांट लोड फैक्टर रहा है फाइनेंशियल ईयर 2020 और 2021 में, और ये जो आंकड़ा है ये आंकड़ा आपका जुलाई तक के लिए है। इस लिस्ट में अगर आप 10 परफॉर्मेंस कंपनियों को देखोगे जो कि अलग अलग राज्यों के हैं, तो इसमें आपको दिख जाएगा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन जो कंपनी है वो 69.83% के साथ में टॉप पे है। और छत्तीसगढ़ में ये आंकड़ा आप याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन कंपनी की तरफ से टोटल 3080 मेगावाट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। और यहाँ पर सेकंड नंबर पे आ जाता है आपका तेलंगाना स्टेट पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि 69.40 लोड फैक्टर के साथ सेकंड नंबर पे है। और बाकी जो पावर जनरेशन कंपनीज हैं उनकी सिचुएशन किस प्रकार से है ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पर सिर्फ आपको छत्तीसगढ़ से रिलेटेड फैक्टर्स ध्यान रखने हैं, और इसका इस्तेमाल आप जो है मुख्य परीक्षा में भी कर सकते हो, कीवर्ड्स के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, वैल्यू एडिशन के रूप में इसका इस्तेमाल आप बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का टॉपिक हो जाता है, छत्तीसगढ़ के 14 पुलिस अधिकारियों को वीरता एवं पुलिस सराहनीय
सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। कब? 26 जनवरी 2021 को, यानी कि गणतंत्रता दिवस के अवसर पर, जिसकी घोषणा कर दी गई है। तो छत्तीसगढ़ के 14 अधिकारियों को राष्ट्रपति द्वारा वीरता पदक एवं पुलिस सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के पुलिस वीरता पदक किनको किनको प्राप्त होगा? तो इनमें से सबसे पहला नाम आ जाता है अभिषेक मीणा, जो कि SP हैं अभी वर्तमान समय में कोरबा जिले के। इसके बाद श्री मलिक राम, जो कि इंस्पेक्टर हैं, कहाँ? नारायणपुर जिले के। और इसके बाद अगला नाम आ जाता है श्री महेंद्र सिंह ध्रुव, जो कि सब इंस्पेक्टर हैं, कहाँ? कांकेर जिले के। तो पुलिस वीरता पदक का नाम आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये 3 से 4 नाम है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद जो है पुलिस सराहनीय सेवा पदक, इसमें लगभग आपको 11 नाम ध्यान में रखने होंगे, लेकिन 11 नाम आप ध्यान में नहीं रख सकते, बस एक बार आप ऊपर से रिव्यू कर सकते हो। लेकिन टोटल कितने पदक छत्तीसगढ़ के जवानों को दिया जा रहा है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, और वीरता पदक किनको दिया जा रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा संभावना जो बनती है वो यहीं से प्रश्न पूछे जाने की बनती है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है, पूरा तीजा तिहार। छत्तीसगढ़ आपको पता है कि अपनी संस्कृतियों के लिए जाना जाता है, अपने त्यौहारों के लिए जाना जाता है, अपनी कला और संस्कृति के लिए जाना जाता है। तो इसी में एक पूरा और तीजा त्यौहार, हालांकि दोनों त्यौहार अलग अलग हैं और इसका एनालिसिस भी हम अलग अलग करेंगे। सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ का पूरा तिहार को यहाँ पर समझ लेते हैं। इसे हम लोग पोला तिहार भी कहते हैं, और छत्तीसगढ़ का यह पोला तिहार या फिर पोला तिहार कह लो, मुख्य रूप से खेती और किसानी पर्व से जुड़ा हुआ है। और ये कब मनाया जाता है? ये पर्व मनाया जाता है हिंदी कैलेंडर के अनुसार भादो अमावस्या को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि कब मनाया जाता है। और इस दिन जो है खेती किसानी के बैल और जो यानी कि खेती से जुड़े हुए जो भी गौवंशीय पशु होते हैं उनके महत्व को देखते हुए इस दिन जो है उनके प्रति आभार प्रकट किया जाता है, उनका पूजा अर्चना किया जाता है। और छत्तीसगढ़ के गांवों में बैलों का विशेष रूप से जो है वो सजाया जाता है, कहीं कहीं बैलों का जो है वो रेस भी करवाया जाता है, उनका पूजा अर्चना भी किया जाता है। घरों में जो है बच्चे जो हैं मिट्टी के बैल बनाते हैं और उससे खेलते भी हैं, तो इस तरह से भी इनका आयोजन किया जाता है, और इस अवसर पर जो है वो बैलों का दौड़ भी करवाया जाता है। छत्तीसगढ़ का पोला त्यौहार जो है एक बहुत ही पारंपरिक त्यौहार है छत्तीसगढ़ का, तो ध्यान रखिएगा। हालांकि आर्ट एंड कल्चर वाला जो पार्ट है आपका छत्तीसगढ़ का, अगर पूरे साल भर का करेंट अफेयर आप फॉलो करते हो तो आर्ट एंड कल्चर छत्तीसगढ़ का बहुत सारा आपका कवर हो जाएगा। तो करंट अफेयर कहते हैं ना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप रेगुलर करंट अफेयर पढ़ते रहोगे ना तो जितने भी अंदर छत्तीसगढ़ का GS है या फिर ऐसे ही GS मान लो, तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रिकॉल होती रहेंगी, रिवीजन होते रहेगा, आप अलग से उसको रिकॉल कर सकते हो, अलग से उसका रिवीजन कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से करंट अफेयर के माध्यम से, क्योंकि साल भर कोई ना कोई फेस्टिवल तो आते जाते रहते हैं। तो इसीलिए आप करंट अफेयर को रेगुलर फॉलो करते रहिएगा, क्योंकि आपका GS भी यहां से और भी स्ट्रांग होते जाएगा और जिन चीज़ों को आपने पढ़ रखा है वो रिवाइज्ड होते रहेगा, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद तीजा त्यौहार। तीजा त्यौहार को हम लोग हड़तालिका के रूप में भी जानते हैं, और इसे पिछले वर्ष ही सार्वजनिक त्यौहार के रूप में भी घोषित किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए बन जाता है, हड़तालिका तीज के अलावा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा और कौन कौन से त्यौहार पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा पिछले वर्ष की गई थी? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, इसका जवाब आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। तो महिलाओं से संबंधित यह जो पर्व है बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इस दिन जो महिलाएं होती हैं वो तीज मनाने के लिए ससुराल से मायके आती हैं, और इस अवसर पर उनको ससुराल लेने के लिए या तो उनके पिता जाते हैं या तो उनके भाई जाते हैं, छत्तीसगढ़ में ऐसी मान्यता है। महिलाएँ अपने पति की दीर्घायु के लिए जिस दिन ये पूजा होता है या फिर जिस दिन तीज होता है उस दिन निर्जला उपवास रखती हैं, और तीजा के ठीक एक दिन पहले जो है करू भात ग्रहण किया जाता है महिलाओं द्वारा, और जिस दिन तीजा होता है उस दिन रात जाकर शिव पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है इस त्यौहार के अवसर पर। और इस त्यौहार को कब मनाया जाता है? तो इस त्यौहार को मनाया जाता है भादों के महीना में ही, शुक्ल पक्ष तृतीया को। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, दोनों त्यौहार को कब मनाया जाता है इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आ जाता है, तमोर पिंगला अभ्यारण में प्राचीन किले का अवशेष प्राप्त हुआ है हाल ही में। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है,
दोनों चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इससे जो जुड़ा हुआ तमोर पिंगला सेंचुरी है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, और जो प्राचीन काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं इससे तमोर पिंगला अभ्यारण जो है और भी चर्चित हो जाता है। तो सबसे पहले ये ध्यान रख लीजिएगा कि तमोर पिंगला अभ्यारण कौन से क्षेत्र में स्थित है। तो ये आपका छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र यानी कि सरगुजा यानी कि सूरजपुर जिले में स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अभी जो भी अवशेष प्राप्त हुए हैं इस अभ्यारण में, इस अवशेष को रिवांचल के राजा बालगम से जोड़कर देखा जा रहा है, इसलिए ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसा माना जा रहा है कि यह जो किला मिला है वो 11वीं सदी का किला है, क्योंकि जो ऊपरी छत्तीसगढ़ यानी कि उत्तर छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें वहाँ के जितने भी प्राचीनतम किले हैं या फिर जो भी अवशेष हैं वो सब के सब 11वीं सदी के ही हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि तमोर पिंगला अभ्यारण्य में जो प्राचीन किले का जो अवशेष प्राप्त हुआ है वो भी 11वीं सदी का ही है। चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा तमोर पिंगला अभ्यारण्य के बारे में भी जान लेते हैं। 604 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है यह अभ्यारण्य। इसका नाम जो है पिंगला नदी का उद्गम भी इसी अभ्यारण्य से हुआ है, और तमोर पहाड़ी जो है वो इसी क्षेत्र में स्थित है, और इसीलिए इसका नाम जो है तमोर पहाड़ी और पिंगला नदी को मिलाकर तमोर पिंगला अभ्यारण्य इसका रखा गया है। अभ्यारण्य के रूप में इसे अधिसूचित किया गया 1978 में, ठीक है। तो इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपसे पढ़ना चाहिए। चलिए इसके बाद आज के इस डिस्कशन में जो हमारा लास्ट का टॉपिक है, सपना सोनी को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। सपना सोनी जो है इनोवेशन से विद्यार्थियों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव लेकर आई हैं, इसीलिए इन्हें जो है राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित की जाएंगी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर। ये रहने वाली है दुर्ग की, और इस साल जो है छत्तीसगढ़ की इकलौती ऐसी शिक्षिका है जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। पूरे देश भर से 47 शिक्षकों का चयन किया गया है, छत्तीसगढ़ से एक नाम है सपना सोनी। नाम मस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा किस लिए इनका चयन किया गया है उस बात को भी ध्यान रखिएगा कि नए इनोवेटिव आइडिया से बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनमें सकारात्मक माहौल पैदा करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर के अवसर पर इन्हें राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। और अगर इनके बारे में थोड़ी सी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन लो तो ये वर्तमान समय में शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला जेवरा सिरसा में फिजिक्स की टीचर हैं, जो कि दुर्ग जिले में स्थित है। तो नाम याद रखिएगा सपना सोनी के बारे में। तो ये था हमारा आज का छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का एनालिसिस वीडियो। पसंद आने पर लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके बाद मैं सोच रहा था कि छत्तीसगढ़ करंट अफेयर जो भी हमने अगस्त माह में एनालिसिस किया है, शायद अगस्त माह का एक वीडियो और बच जाता है जो आपका आने वाला है, तो जैसे ही पूरा अगस्त कंप्लीट हो जाएगा तो पूरे अगस्त माह का एक MCQ सीरीज़ में चला दूंगा विथ एनालिसिस। तो मतलब हमने 4 वीडियो डिस्कशन किए हैं, 4 से 5 वीडियो अगस्त माह का। तो जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए, आप सारी चीज़ों को रिकॉल भी कर पाओ और लंबे समय तक उन चीज़ों को याद भी रख सको, तो एक ही वीडियो होगा जब भी होगा अगस्त का, तो पूरा जो है हम लोग उसको एक बार रिवाइज़ कर लेंगे MCQ वेस्ट पे। तो जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उन सबका एनालिसिस के साथ में मैं एक MCQs वाला सीरीज भी, एक MCQs वाला वीडियो भी बना दूंगा अगस्त जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। चलिए तो इस सेशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।